हेलो हाय नमस्ते खुशी रे रुहा समस्ते पिला माने आजी आमे सेई जो पुरुणा अध्याय लगेथिले क्लास जोउतरे आमे एंशिएंट को कंप्लीट करथिले मेडिवल इंडिया इतिहास को कंप्लीट करथिले आउ आजी होउची तार आउ गोटे अध्याय जोउतरे आमे पूरा मॉडर्न इंडिया रा इतिहास को 1 आवर भितरे कंप्लीट करिया पे ट्राई करबा। तो बहुत सारा जिंस अछि आजिर क्लास रे जदि आमे देखिबा तो ए कहानी आरंभ हबो 1498 मसियारु जेतेबेले भास्को डा गामा भारत रे आसी कि पहुचिबे माने पोर्तुगीज कर एंट्री हबो सेबेठारु नै 1857 पर्यंत 1857 1905 पर्यंत जेतेबेले ब्रिटिशर्स मानकर धीरे धीरे दबदबा आरंभ हबो प्रथम अवधि कहबो सिपाही विद्रोह हबो ई सब विषय रे भी डिस्कशन करबा। तापरे आईएनसी रो गठन हबो से विषय रे भी डिस्कशन करबा। तापरे 1905 रो 1920 भितरे तमर जो बहुत अलग-अलग टाइप रो मूवमेंट हला स्वदेशी मूवमेंट कि अदर मूवमेंट गुडी कहि जे आ विषय रे डिस्कशन करबा एवं 1920 रो 1947 जेउ समय रे तमर तीनटा मेन मूवमेंट गुडी क जोटा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट एवं क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब विषय रे मध्य आजर लेक्चर रे डिस्कशन करिबा। तो ये सब डिस्कशन करिबा किंतु ता पूर्वरु गोटे जिंस कहबी लाइक शेयर कमेंट करिया को सब आरंभ कर दियो कारण आजिर क्लास धमाकादार एवं धुआंदार हबागु जाउची। तो प्रथमे ए सेशन रो प्रथम जिंस आरंभ करिबा ए कहानी आरंभ होउची केतबेले जेतबेले पोर्तुगीज माने भारत को वाटर रूट डिस्कवर करिवे। तो इंडिया रे सर्वप्रथमे वाटर रूट डिस्कवर हैला पारे प्रथमे जदि भास्को डा गामा आसी कि भारत रे पहुचिले केबे पहुचिले ना 1498 मसिया रे आसी पहुचिले। तो प्रथम पॉलिटिकले पूरा यूरोपियन कंटिनेंट रु भारत को आसी पहुचिबा व्यक्ति बा होची देश पहुचि गेले किए से ना पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज माने भारत रे आसी 1498 मसिया रे आसी पहुचि देले। सेमिदी तमे दुई नंबर पोजीशन जदि आमे कुआ जीव सेकंड यूरोप रु किए आसीले ना डच माने आसीले केबे आसीले ना 1605 मसिया रे भारत आसी पहुचि गेले। जबकि तीन नंबर पोजीशन जदि देखिबा 1608 मसिया रे तमर होची ब्रिटिशर्स माने माने ईस्ट इंडिया कंपनी आसी भारत रे पहुंचीतला। चारि नंबर रे जदि देखिबो डानिश माने माने डेनमार्क जोडा आजिर समय रे कहूची 1620 रे पहुंचीतले एवं सेसरे को माने आसी पहुंचीतले ना फ्रेंच माने आसी पहुंचीतले 1668 मसिया रे आसी पहुंचीतले। तो एमानंक सीरियल नंबर को मन रखिदो एवं केबे क्यों माने केते बेले आसीतले आकु भी मन रखी दे परिबो। प्रथमे पोर्तुगीज, दुई रे डच, तीन रे इंग्लिश, चार रे डानिश एवं शेषरे फ्रेंच माने भारत को आसीतले बेली एटी कहा जाउची। तापरे जदि आमे आउ टिके आगु बढिबा पोर्तुगीज मानक विषय रे जदि कहिबो 1498 रे जेतले से भारत को आसीले से समय रे तांकर राजांकर नाम मैनुअल फास्ट थिला जबकि तांकर राजकुमार कर ना डॉन हेनरीस रा जहा कि आमे समझते हेनरी द नेविगेटर कर ना रे मध्य जानिछे। एही सेम समय रे भारत रे के शासन करथले जदि पचारिबो भारत रे शासन करथले दिल्ली सुल्ताने चालित है दिल्ली सुल्तानेत रा राजा थांती सिकंदर लोदी। तो ये होती लोदी वंशर राजा थे सिकंदर लोदी समय रे एंट्री होता कौन दिल्ली सुल्तानेत समय रे ही आकर एंट्री होता जबकि ये पहुंचे कौटी भास्को डा गामा कलिकट रे पहुंचे आमर हूँ साउथ साइड रे किंतु दिल्ली रे शासन करछन कि सिकंदर लोदी। जबकि विजयनगर जदि साउथ इंडिया कथा कह समय नरसिंह द्वितीय जी कि 16 डायनेस्टी को बिलंग करते समय एंट्री होती कहगला। तो ये चल देखा आंकर एंट्री केबे हला भास्को डा गामा 17 मे 1498 मसीह भारत आसिक पहुंचीते भारत में सर्वप्रथमे से माने कलिकट रे आसिक पहुंचीते एवं कलिकट रे ही निजर प्रथम फैक्ट्री को एस्टैब्लिशमेंट करते से क्यों रूट देखिए आई ना आफ्रिकार केप ऑफ गुड होप तुम्हें देखी पार्थ मैप देखी पार्थ आफ्रिकार एपटे कौन है पोर्तुगीज मैंने बाहर एवं आफ्रिकार ये पर्टिकुलर लोकेशन आम देखुचे ये हूँ आज समय केप ऑफ गुड होप केप टाउन कहे। तो से ही रूट देखिए भारत में आसिक पहुंची थे कहवाक मिलू। तापरे जदि हमें आउ टिके आगु को बढ़िबा पोर्तुगीज माने भारत रे जेते आसीले एमाने 1498 मसिया रे कलिकट रे निजर प्रथम फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करथिले। तापरे से निजर राजधानी कोटा को बनैथिले ना कोचिन को बनैथिले केबे बनैले 1502 मसिया रे कोचिन पोर्तुगीज मानकर प्रथम कैपिटल कहि परिबो बनैथिला किंतु तापरे 1530 मसिया रे से माने गोवा को निजर राजधानी बनैथिले। तो एबे 1502 रे किंतु कोचिन को से माने इनिशियल टाइम रे निजर राजधानी बनैथिले। तापरे फ्रांसिस्को अल्मेडा ये होचंती पोर्तुगीज कर प्रथम गवर्नर जे कि 1505 रे भारत को आसिले एवं भारत को आसिया पर से गोटे नुआ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करले पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर माने वाटर रे जदी ट्रीट करिया को अछि बा वाटर रे जदी तमे व्यापार वाणिज्य करिवो ताले पोर्तुगीज मान को टैक्स दबा को पड़िवो। तो ए रूल रेगुलेशन को कहा जाउतला पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तापरे तांकर सेकंड गवर्नर आसीबे जहांकर नाम होजी अल्फ्रेंसी डी अबेल क्यूरिक्यू। अल्फ्रेंसी डी अबेल क्यूरिक्यू जदी कहबो ये आसीबे सेकंड गवर्नर बोली आंको आमे कहि परिबा ये तमरा
आसीबा परे बीजापुर जोटा कि गोआ जो कहे गोआर बीजापुर एरिया को जितिबे केबे जितिबे 1510 रे जितिबे एवं ए एरिया को जितिया परे गोटे नुआ रूल रेगुलेशन आनिबे से रूल रेगुलेशन रा ना हला पॉलिसी ऑफ इंप्रिलिजिंग माने जेहेतु ये गोआ को जिति जेबे गोआ एरिया रे रहतुया लोकों गुडुर कैश बा टैक्स आदाय करबा आरंभ करनेबे तो आकु कहा गला द पॉलिसी ऑफ इंप्रिलिजिंग तो ये इंप्रिलिजिंग कांसेप्ट आनिले कि से अल्फोंसो डी अबेल क्यूरी की तो माने कि ब्लू वाटर आले अल्मेडा जबकि अल्फोंसो डी अबेल क्यूरी को ये आइले कोन होजी पॉलिसी ऑफ इंप्रिलिजिंग ये दीटा गाइले आ कहा जाय द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया यदि क्वेश्चन बजारिवो से भी मध्य ए आकु ही कहा जायथे अल्फोंसो डी अबेल क्यूरी को तबे 1510 रे गोवा को जितिले किंतु 1530 रे ए माने आकु राजधानी मध्य बनाई देले का गोवा को बनाई देले डच माने भारत को आसिले डच मानक कथा आदि कहा 1605 रे डच माने भारत को आसिले प्रथम डच जे भारत को आसिले तांका नाम जी कर्नलिस हटमैन ये भारत को आसिले बोली कहा गला ए माने भारत रे आसिया परे निजर प्रथम फैक्ट्री खोलले कोडी ना मसूलीपट्टनम रे खोलीथिले केबे 1605 रे निजर प्रथम फैक्ट्री खोलीथिले बोली कहा गला डच मानक कथा कहा गला तापरे जदी ए माने देखिबे ए माने कोन करे निजर प्रथम हेडक्वार्टर नागापट्टनम रे खोलिले किंतु ए माने ब्रिटिशर्स को संगे रे कंपीट करि पाले कंटिन्यूअसली जेतु ब्रिटिशर्स मानकर सह अंकर युद्ध होतला तो फाइनली बैटल ऑफ बेड्रा नामक गोटे युद्ध होला ब्रिटिशर्स को सह जेउथिरे डच माने ब्रिटिशर्स कटारु हारी गले एवं हारी गला परे 1769 मसिया रे ये भारत छाडी के निज देश को फोनी आउतरे फेरी जाइथिले तापर आसीबे ईस्ट इंडिया कंपनी को विषय आमे टिके नजर पकेबा ईस्ट इंडिया कंपनी जे की भारत रे आसी सर्वप्रथम पहुंची तले 1608 मसिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो फॉर्मेशन जदी पचरीबो मन रखो पिला माने 1600 मसिया रे होइतला 1600 मसिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी बनिया जाइतला आ जेतेबेले बनिया जाउतला से समय रे अकबर राजा थिले किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जेतेबेले भारत को आसिला 1608 रे ए समय रे जहांगीर भारत रे रूलिंग करथले ए दीटा जिंस को मन रखि दैथबो तापर एठी जेतेबेले जहांगीर आसीबे जहांगीर को समय रे यांको करा गला फरमान जो एमान को अधिकार मिली गला इंडिया रे ट्रेडिंग करिया एवं सर्वप्रथम एमाने जदि कहबो 1613 मसिया रे एमाने कोन कले सूरत ठारे एमाने निजरा प्रथम फैक्ट्री खोलतले एवं ये जो फरमान इशू करतले ये काहा को ना कैप्टन हॉकिंग्स को इशू करले तो कैप्टन हॉकिंग्स को आउ गोटे नाम मध्य एग्जाम रे पचारि दिए इंग्लिश खान आमे काहा को कहिथौ ना इंग्लिश खान आमे समस्ते कैप्टन हॉकिंग्स को ही कहिथौ तापरे आउ गोटे जिंस पचारिबो एठी कचारे जिवो जे तमरो छी कहो छी ये तो है कौन सोल के आठ रे कौन आसबे और 1613 कौन हो दिगला आउ जन आसे थोमास रो जी की 1615 मसीह आसबे और सी कौन करेंगे ना पूरा इंडिया रे ट्रेडिंग करने जहांगीर ठारू परमिशन नहीं जी तो ये जिनस गुड़िक तो गला विषय कहले जी आगे आगे बढ़िया कौन देखा ओके तापरे आउ टिके आगु बढ़िया माने एठी डानिश मानक विषय आछो जे कि 1620 मसिया रे भारत को आसीतले 1620 रे एमाने भारत को सर्वप्रथम आसीले आउ जे सर्वप्रथम आसीबा परे एमाने ट्रांकोबर जोडा कि तमिलनाडु रे अछि निजरा प्रथम फैक्ट्री गुडी को एस्टेब्लिशमेंट करथिले बेली कहा गला एवं तापरे श्रीरामपुर ठारे जे माने निजरा प्रथम हेडक्वार्टर मध्य एस्टेब्लिशमेंट करथिले तापरे जदि आमे कहा जीव एमाने ब्रिटिशर्स सह कंपीट करि पाइले नै सेति भाई निजरा समस्त बिजनेस को ब्रिटिशर्स को सेल आउट करकी 1845 मसिया रे निज देश को चली जाइथिले तो एमाने समस्त बिजनेस को बिक्री करथिले ब्रिटिशर्स को एवं निज देश को चली जाइथिले तापरे जदि आमे फ्रेंच मानक कथा कहा जीव फ्रेंच माने भारत को आसिले 1668 मसिया रे 1668 मसिया रे जदि कहा जीव ता पूर्वरु 1664 मसिया रे कोलबर्ट को द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रतिष्ठा करा गला केम्बो किंतु एमाने भारत को आसिले केबे ना 1668 मसिया रे तो 1668 मसिया रे आसीबा परे एमाने निजर प्रथम फैक्ट्री सूरत रे खोलले एवं ई जो 1668 मसिया रे भारत रे फैक्ट्री खोलले एटा कहा द्वारा खोलाला ना फ्रांकुइस कैनन तो आंको द्वारा 1668 मसिया रे एमाने भारत रे प्रथम फैक्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट करले किंतु ता पूर्वरु फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 मसिया रे बना जाई सारथिला 1668 रे एमाने भारत रे आसी की पहुंचले बेली कहा जाउची तापरे एटी कौन हम देखा एटी यदि आउ टिके आगु को आमे बढ़िबा तो पंडिचेरी सहर रो एमाने निर्माण करिवे जहा को परे एमाने निजर राजधानी मध्य बनेबे तो पंडिचेरी रो गठन करा गला बा एस्टेब्लिशमेंट करा गला 1673 मसिया रे जहा को की परे से माने निजर राजधानी बनेले बेली एटी कुहा जाउची
तापरे फ्रेंच मानक पारे एबे क्वेश्चन को जीवा तो मु जानिजो तमे जदि लास्ट दि दिन अब मोर क्लासेस कुडी को कर दिबो तारे जानिथिबो आमे प्रथमे गोटे टॉपिक करू जे एवं से रिलेटेड किछि क्वेश्चंस कुडी को करेबा कारण आजिर क्लास रे जेतु बहुत सारा टॉपिक अछि कंप्लीट करियार तो आजिर प्रति टॉपिक परे 5 रु 6 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं तापरे आमे नेक्स्ट टॉपिक आगे बढी जीवा तो आजिर जो प्रथम टॉपिक थिला एटा थिला अराइवल ऑफ यूरोपियंस तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस टॉपिक रो आमे वर्तमान पढिले 5 जण जोथरे कि फ्रेंच पढिले प्रथमे आमे कौन पढ़ले हमें उची पर्तुगीज तापरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी तापरे हमर पढ़ले डेनिश वाला एवं वर्तमान लास्ट रहला फ्रेंच वाला ए पांच जन को विषय डिस्कशन करिले एबे से रिलेटेड किछि क्वेश्चंस कुडी को करबा एवं ता परे हमें आगु को बढ़िबा किंतु ये सब जिंस को अरिया पूर्व रे तमको गोटी रिक्वेस्ट जो माने एजाई सेशन को सह बनी अछ समस्त गोटे रिक्वेस्ट समस्त गोटे लाइक कर दियो एवं निजो निजर ग्रुप मान करे निजर स्टेटस रे ए वीडियो को शेयर करिनियो जदि तुमको एजाई भलो लागुतिबो तो एबे क्वेश्चन नंबर होची एक नंबर ऊपर नजर पका जाओ प्रथम क्वेश्चन को आगला व्हेयर डिड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया तो आमे कहिले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विषय आमे कहिले तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी निजर प्रथम फैक्ट्री कोठी खोलीथला बेली कहा गला कलिकट रे सूरत रे पांडिचेरी रे ना मसूलीपट्टनम रे तो केउटी खोलीथिले बेली तुमको लागु जे जल्दी जल्दी ए क्वेश्चन आंसर दे दियो समझते तो ई जो क्वेश्चन समझते कहजो जे सर ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो कह दियो टिके तो ये क्वेश्चन कौन कौन ना कौटी मैंने निज प्रथम फैक्ट्री खोलते टाइम देख पे सरला आंसर है बी हम बी मैंने सूरत में निजर प्रथम फैक्ट्री खोलते कहगला कौ मैंने आमर जी ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत खोलता और फ्रेंच सूरत निजर प्रथम फैक्ट्री खोलते कहगला एवं दुई नंबर क्वेश्चन उपर नजर पकाओ हु वाज द फर्स्ट पर्तुगीज वायसराय इन इंडिया तो इंडिया आम जी कह प्रथम वायसराय जदि कह तो किए हम कह दिए टे तो किए हम आम इंडिया रे प्रथम पर्तुगीज वायसराय जदि कह तो ये देख पर्तुगीज मैंने 1498 मसीह तो भारत को आसिले कि निजर हो कौन फैक्ट्री हरिका सब एस्टाब्लीशमेंट गुड़िक इंडिया रे करते जदि आम देखा ये यदि प्रथम जदि कह वायसराय सी हम तो हूँ आलमेडा तो आलमेडा आसापर भारत में पॉलिसी हम कौन इंट्रोड्यूस करेंगे ब्लू वाटर को इंट्रोड्यूस करते कि आबेल क्यूरी क्यू जो आसे सी इंट्रोड्यूस करेंगे पॉलिसी हम इंप्रेलिजम तापर तीन नंबर क्वेश्चन उपर नजर पका जाऊ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दगड़ाला ओके तो ये कौन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये तुम 1857 विद्रोह पूर्व आसवे क्वेश्चन गुड़ा पशी फिर भी तुम मैंने कहपर एक क्वेश्चन आंसर सहज क्वेश्चन ये तो ये क्वेश्चन आंसर कह हम कह दि ओके एक क्वेश्चन आंसर हम समझ जानते हैं लॉर्ड डेलहाउस यार करेक्ट आंसर हम तो समझते डेलहाउसिंग ना दे चार नंबर क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया आर द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बनिया गला जितेबले से समय क्यों राजा थे कहुच एक क्वेश्चन आंसर हम समझ जानते जे ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनागला के बनाला 1600 मसीह बना जाता 1600 मसीह बनागला बेलू जहांगीर थे ना शेरशाह सूरी थे ना अकबर थे ना औरंगजेब थे तो आंसर है सी है अकबर थे कि ब्रिटिशर्स मैंने भारत को आसिले क्या समय आसवे जहांगीर के समय आसवे कि बनिया गला का समय रे ना अकबर का समय रे शेष क्वेश्चन एटा देखो तापर हो जे आ टॉपिक को जीवा ओके तो एक क्वेश्चन कहू जी व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया तो फ्रेंच कॉलोनी विषय रे कहा जाऊ जी कोन हो बोले कहला व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया पांडिचेरी हम कलिकट हम कोचिन हम ना हूँ गोवा हम आ भितर कौटा आंसर हम कह कौन लगुच पे कौन हम आर आंसर तो ये मन रख आर आंसर है पांडिचेरी हम तो पांडिचेरी जो मैंने कही करेक्ट आंसर हम कहु चल नेक्स्ट को बढ़िया पूर्व गोटे जिनस मन रख पे तुम आराध्य बैच जोटा कि आरआई अमीन तुम स्पेसिफिकली जब आम कह बैच लॉन्च होगा जाऊँच 30 तारीख मानते पर दिन ठार आरंभ हो ए बैच को नापी समस्ते लगी पड़ो कारण ये बैच रे बहुत सुंदर हिसाब से तुम प्रिपेरेसन गुड़िक हम जदि देखो आर मस वैकेंसी गुड़िक आसव मे बी नवेम्बर लास्ट सुधा एग्जाम गुड़िक हम तेणु पूर्व प्रिपेरेसन जब न कर प्रिपेरेसन करेन बहुत कम प्राइस तुमको अफोर्डेबल प्राइस सब दिह तो ये चल नेक्स्ट टॉपिक को बढ़िया जोटा कि बेंगल कंक्वेस्ट बोली कह तो बेंगल कंक्वेस्ट जब कहे कौन हो देखा
ब्रिटिशर्स माने केमिति बेंगल को निज साम्राज्य रे मिसैले ए विषय रे इठरे कुआ जाउची। तो एठी जदि आमे देखिबा 1717 मसिया रे जेतले राजा थिबे राजा फारूक शियार ये कोन करिवे जॉन शर्मन को गोटे फरमान इशू करैबे जेउथरे कुआ जिवो ब्रिटिशर्स माने मात्र वर्ष को 3000 टंका देगी एठी कोन करिवे ट्रेडिंग करि परिवे। तो ए जो फरमान पाइबा परे ब्रिटिशर्स माने गोटे प्रकार लुटीबा आरंभ करनेबे कोठी नाउची बेंगल को। तो ए जिंसर ऑब्जेक्शन करिवे सर्वप्रथम तर 1756 मसिया रे सिराजुद्दौला जो समय रे कि से जेतु बेंगल जो थब दुर्ग हमला करिवे सेठी गोटे इंसिडेंट घटिबो जहा को आमे समस्ते ब्लैक होल ट्रेजेडी नारे जानिचे जोटी किछि तांगर जो आर्मी तांगर ऑफिसर मान को गोटे रूम रे बंद कर दिया जो जोटी कि सेमाने अननिश्वासी होई मृत्यु ग्रहण करिवे सेति पई ए इंसिडेंट को आमे समस्ते ब्लैक होल ट्रेजेडी नारे मध्य जानिले। तापर एटु ब्रिटिशर्स माने कोन करिवे ना सिराजुद्दौला को अगेंस्ट रे गोटे युद्ध रे घोषणा करिवे जहा को कि आमे समस्ते बैटल ऑफ पलासी नारे जानिचे। तो एटी बैटल ऑफ पलासी युद्ध 1757 रे आबो जेउतरे कि सिराजुद्दौला को मारि दिया जो सिराजुद्दौला को मारिबा पछरे बहुत सारा निजर लोक मानकर हात रहइबो खास करके ब्रिटिशर्स माने सिराजुद्दौला जो माने सुबेदार माने थेबे तांको स मिसि जाइथिबे जो माने कि सिराजुद्दौला संगरे गद्दारी करिवे एवं तापर सिराजुद्दौला को मारि दिया जिवो। तापर से जो बैटल ऑफ पलासी जो युद्ध थिला या पर मीर जाफर को प्रथम थर पई बेंगल रो नवाब हिसाब रे ब्रिटिशर्स को द्वारा अपॉइंटमेंट करा जिवो। ए सब घटना पर ये मात्र 3-4 वर्ष रहिथे माने 1757 रो 1760 आसु आसु मीर जाफर को मध्य हटा जाई मीर कासिम को तांका जगह रे बसिया जीवो। किंतु एमाने काहे की बसा देबो कारण एमाने इतले रूलिंग पोजीशन रे बसिबे एमाने मध्य जानि नेबे ब्रिटिशर्स माने इत्ते मात्रा रे लुटुचंती जे राज्य को चलेबा मध्य बहुत अधिक डिफिकल्टी से जीवो कारण बिना टैक्स रे देश केबे चालिबो नाही आ सेही टाइप रे कांसेप्ट गुडी को ब्रिटिशर्स करूथिबे। सेथिपाई मीर कासिम कौन करिवो ना एटी प्लानिंग कौन करिवो ब्रिटिशर्स को सह लढ़ीबा पई प्रथमे त कौन करिवो मुर्शिदाबाद रु मुंगेर को निजरा कैपिटल को शिफ्ट करिवो एवं शिफ्ट करिवा परे निजरा ट्रिपल अलायंसेस गुडी को गठन करिवो गोटेला बेंगल रो नवाब से निजे मीर कासिम रहइबो अवध रो नवाब होची सुजाउद्दौला एवं मुगल रो राजा शाह आलम द्वितीय को सह मिसी ये ट्रिपल अलायंसेस बनाई बैटल ऑफ बक्सर युद्ध रे ओलेई पड़िवो। तो बैटल ऑफ बक्सर युद्ध 22 एवं 23 अक्टूबर 1764 मसिया रे लढा जिवो किंतु दुर्भाग्य ये ट्रिपल अलायंस युद्ध रे हारी जिवे एवं जीती जिवे किए से ना ब्रिटिश सर माने ए युद्ध रे जीती जिवे ए युद्ध रे जीती गला पारे ब्रिटिशर्स माने गोटे प्रकार जो बेंगल एरिया थिला बेंगल एरिया रो दीवानी रो राइट आंको मिले जिवो माने बेंगल एरिया रो टैक्स कलेक्शन रो दायित्व संपूर्ण आवे ब्रिटिशर्स माने पाई जिवे काहे कि ना ए जो राजा थिले शाह आलम द्वितीय ये केवल ये ट्रिपल अलायंस रो मेंबर नो ये पूरा मुगल एंपायर रो राजा थिबे कि ए युद्ध रे ये को हबो ना हारी जिवे। तापर जदि हमें आउ टिके आगु को बढ़िबा ट्रीटी ऑफ अल्लाहाबाद एडी साइन हबो ए युद्ध पर परे जेउथिरे कि एमानकु दीवानी रो राइट मिल जियो दीवानी माने कोन ना राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बिहार ओडिसा एवं बेंगल एरिया रो टैक्स कलेक्शन रो दायित्व यांकु दिया हिजो। तापर जदि आमे आउ टिके आगु को बढ़िबा एटी घटना गुडी को घटिबा को जाउची कोन होची ना 1857 रो 1905 भितरे बहुत सारा घटना गुडी को घटिबो कारण ब्रिटिशर्स माने इत्ते मात्रा रे टैक्सेशन गुडी को कलेक्शन करिवे जेउथि फल रे सेठी रहुतिबा लोक मानंक मध्य रे गोटे प्रकार विद्रोह रो भावना धीरे धीरे आरंभ हबक जाउची आउ जहार परिणति आगामी दिन रे 1857 विद्रोह हबक जाउची एवं ता सह इंडियन नेशनल कांग्रेस रो गठन मध्य हबक जाउची। तो ये दीटा को इंसिडेंट ऊपर चला नजर बगेबा कोन थिला 1857 विद्रोह एवं कौन आरो कारण गुड़ी को थिला एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन पाई आप और गठन नहीं थिला। तो प्रथमे आगे पढ़ीबा रिवोल्ट 1857 तो रिवोल्ट 1857 जहाँ की इंडिया रो प्रथम फ्रीडम फाइट हिसाब रे को कंसीडर कराए थे। ए युद्ध रे बहुत सारा कारण अछि प्रथम जदि कारण कहिबो आमे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कहि परबा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोटा कि ब्रिटिशर्स कर द्वारा माने खास करके लॉर्ड डेलहाउसिंग को द्वारा आंको इंट्रोड्यूस करा गला इतरे कुआ गला कौनसी राजा जहार निजर पिला छुआ नहाती तो तांको मृत्यु परे तांकर समस्त राज्य ब्रिटिशर्स को चली जीवो। ए नियम लगा जाई सर्वप्रथमे सतारा सतारा बोली गोटे जगह थिला आकु ब्रिटिशर्स माने नहीं गले आ छोटा तमरो झांसी हबो संबलपुर हबो अवधला एमिति बहुत सारा एरिया को ए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बल रे ब्रिटिशर्स माने निज साम्राज्य रे मिसै दैथिले। तापर आउ गोटे नियम हला सब्सिडियरी अलायंसेस ये सब्सिडियरी अलायंसेस कोन जोटा कि लॉर्ड वेल्सलिंग को द्वारा अणा जाईथिला एथिरे गोटे लोभ देखाउथला ब्रिटिशर्स सरकार कहागु ना राजा मानगु जे तुमार राज्य को आमे सुरक्षा प्रोवाइड करिवो ता बदल रे आमे होची कोन तुम एरिया रो छोटिया जगह हमकु दरकार इथे फल रे कहू ना राजांकर ए जो लोभ चक्कर रे से माने कोन करथले ब्रिटिशर्स कर ए जो एग्रीमेंट रे राजी होतले जेउति फल रे से माने निजर सेना बाहिन को ही खत्म कर दोतले जेउति फल रे ए लॉर्ड वेल्सलिंग को द्वारा अणा गला जो ये सब्सिडियरी अलायंस धीरे धीरे कोन करथला से राज्य को मध्य निज साम्राज्य रे मिसै दोतला। सर्वप्रथमे ये जो कांसेप्ट अणा जाईतला आरो बळी पडथले कि हैदराबाद रो निजाम माने ए चक्कर रे पडथले बेली कहा गला। तो ये
जिनस गुड़िक भेरी प्रथम कारण थी कहगला आ छड़ा आहरी जदि अलग कारण कहटी गोटे देख मिलिटारी डिस्क्रिमिनेशन कह लोक मैंने भारतीय लोक मैंने ब्रिटिशर्स पाखे कम करते से ठीक से सालरी वगैरह दि जाऊन इनक्रिमेंट होता सेमती जदि कह इकोनोमिक कज गुड़िक लोक मैं बहुत हेवी मात्र टैक्सेसन गुड़िक लगे लोक खावाक पा न फिर भी लोकों पर कर बहुत अधिक लग जाऊपर जी आम देखा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जदि कह भेदभाव बहुत अधिक होता खास करके तुम जो रिलीजन पदक्षेप उठाला खास करके आम कही पार सतीदाह प्रथा को बंद करागला कि विडो रिमेरेज उपर स्टेप गुड़िक निला तो ये टाइप रो इनसीडेट गुड़िक है तो ये जो मैंने कट्टर हिंदूवादी नेता मैंने गोटे प्रकार ब्रिटिश सरकार अगेन्स्ट मुह कल आरंभ कर देते ये सब जिनस गुड़िक चली समय इमिडियेटली गोटे कारण हम जोटा कि ये जो ब्रिटिश जो 1857 विद्रोह मेन कारण बनीज ए समय गोटे बंधुक इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल बोली कहगला ए बंधुक जो इंट्रोड्यूस कर जो कैटेज थोड़ा जो गुड़ आम जो तो पसकी ये जोटा कह ये गोटे चमड़ार कभर में आसुव जहाँ को कि बाहर करने तुमको दात छेड़ा पड़ ए चमड़ाटा आईदर गाई चमड़ा ना घुषुरी चमड़ा तैयारी होता बोले बहुत अधिक सन्देह कराला जो फल लोक मध्य गोटे प्रकार धर्म को लेकिन खास करके निजर प्रोटेक्शन करने को ऑब्जेक्शन करवा आरंभ कराला सर्वप्रथमे मंगल पांडे ना आस कि बारकपुर रिजन में पोस्टिंग थे सी निजर सीनियर को गुड़ कर हत्या करदे कंपनी से मना करेंगे या यूज करेंगे कि सीनियर जेहतु बाध्य करेंगे सी सीनियर को हत्या करदे तापरे मंगल पांडे को फांसी दिया गला एवं तापरे ए इंसिडेंट इत्ते मात्र में वायरल होगा धीरे धीरे मेरठ रे सर्वप्रथम थर पर 1857 विद्रोह स्वर उत्तोलन हवा आरंभ है तापरे मेरठ रु धीरे धीरे ए जो सिपाही विद्रोह चारिआड़े स्प्रेड हवा आरंभ होता ए मुवमेंट रे बहुत लोक जो मेन पार्टिसिपेशन करते जमीक भक्त खान रे नाना साहेब रे लाणी लक्ष्मी बाई रे कि आउ जदि आम आगे बढ़िया कुंवर सिंह एवं अमर सिंह रे देवी सिंह रे कदम सिंह रे सुरेन्द्र साह उज्जवल साह ये समस्ते ए मूवमेंट रे बढ़ी चढ़ी की योगदान देते किंतु ये समस्ते जड़ी बढ़ी चढ़ी की योगदान तो देले किंतु ये मूवमेंट को सक्सेसफुल हो पारिला ना कहीं हो पारा ना क्योंटी ना क्योंटी एमानंक भितरे एकतार अभाव थिला यूनिटी रा अभाव थिला जेउति पाई कि एमाने ए मूवमेंट को सक्सेसफुल करि पारिले ना एवं ए मूवमेंट क्योंटी ना क्योंटी किछि दिन पारे ब्रिटिशर्स को द्वारा ए मूवमेंट को दमन करा गला तो ये थिला इंडिया रा प्रथम फ्रीडम फाइट रा कहानी तो एठरा आउ कोन कोन जीव यदि कहा जीव एठी क्वेश्चन को वर्तमान जीव तो ये फ्रीडम फाइट रे बहुत सारा लोक जीवन गला किंतु फिर भी आमको स्वाधीनता मिल ना तो एबे चल ए टॉपिक रिलेटेड किसी क्वेश्चन गुड़िक कर पांच छटा क्वेश्चन अच्छी तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करवा आगे बढ़िया तो ये पे जो सेसन भल लगुच लाइक कर दियो कारण मुझे देखा पाऊँगी बहुत सारा पिला मे भी ये सेसन भल लगुनि से छाड़ी छुड़ी जाऊरी तो जदि सेसन भल लगुनि कहपर आगे इंटरेस्टिंग करवा कारण देख टॉपिक बहुत सारा जिनस अच्छी आ भितर जदि आम धीरे धीरे जावा तो बहुत सारा टॉपिक रही तो स्पीडअप कर तो ये क्वेश्चन रे गोटे रिविजन वाला क्लासेस रही है जो थे वन आवर भितर एग्जाम पूर्व आम देख जिनस पढ़ले जाने तुमको सब जिनस गुड़िक बारंबार पढ़ाक पड़ो गोटे थे सब जगह आम रखिदे एवं बर्तमान आम मंगल पांडे कथा यदि कह मंगल पांडे जो इनसीडेट है ये क्योंटी होता मेरठ रे बारकपुर है अंबाला है लखनऊ है तो मुझे जदि कह मंगल पांडे कथा कह क्योंटी पोस्टिंग होता मंगल पांडे पोस्टिंग जदि आम कह ये तुम कौटी बारकपुर रिजन में पोस्टिंग होता ना कौन तो बारकपुर रिजन जो मैंने करेक्ट आंसर दे दुई नंबर क्वेश्चन को बढ़िया दुई नंबर क्वेश्चन देख बहुत लंबा चौड़ा देखिए साइड हो तो ये क्वेश्चन कही द इमीडिएट कॉज ऑफ अ फास्ट वर्ड जदि कह कौन हम कहीदि तो जदि कह कौन हम द फास्ट इमीडिएट कॉज जो प्रथम वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन थी यहाँ तो ये जदि कहे मेन बहुत सारा कारण तो थिला किंतु मेन हूँ बी हम ना सस्पिशियस अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेयरिंग द रिलीजन रिलीजन ने जेहतु से इंटरफेयर करेंगे से क्योंटी ना कौटी ए मुवमेंट गुड़िक बहुत मात्रा रे अधिक बढ़ी जाता तो ये गोटे क्वेश्चन आंसर समस्त कमेंट सेक्शन में दि ये 1857 विद्रोह आरंभ कौटी आरंभ कौटी होता है कहीदेव तापर आगे बढ़िया मंगल पांडे तो हूँ गला कि इनसीडेंट आरंभ कौटी है सहीटार कमेंट सेक्शन में लिखा को भूल ना तापर जावा तीन नंबर क्वेश्चन को हु अमंग दि फॉलोइंग वाज द बेस्टोड विद द साहेब आलम बहादुर बाय द बहादुर शाह को द्वारा दिया गला ड्यूरिंग द कौन जी अपराइजिंग ऑफ 1857 तो 1857 विद्रोह ये लड़ी थे तो ए समय रे जदि कह बहादुर शाह जदि कहबो इटी कहला साहेब आलम बहादुर टाइटल कहा को देथले हला
अजुमुल्ला ना हूँ बिरजिश कादरी ना भक्त खान को ना हसन खान को देते कहुच्छ तो समस्ते कहते सर जो आप कहे प्रथम सिपाही विद्रोह कौटी ना मेरठ रही है 110% करेक्ट आंसर कि एक क्वेश्चन आंसर हम कौन सी हम भक्त खान हूँ यार करेक्ट आंसर एवं गोटे क्वेश्चन देखिए मुझे पचार मत कह सिपाही विद्रोह समय ओडिशार जड़े व्यक्ति आम लड़ुते तो ये कहीपर किए ना कौन जी की आम राणी लक्ष्मीबाई राज पुरोहित थे ना कौन फ्रीडम फाइटर जी लड़ी थे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन आंसर दे दियो तापर 4 नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिबा सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कथा आदि हमें कहबो 1857 रो जदी सिंबल कथा कुहा जइबो एटा कोन थिला लोटस एवं चपाती ईगल थिला स्क्राप थिला ना टूस खंडा थिला हला दीटा खंडा थिला बेली कहौजी कोन थिबो बेली तुमको लागोजी ए जो खास करी कहौजी ना सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस विषय रे जदी हमें कहबा तो ये समझे कहते सर ए क्वेश्चन आंसर ए हम जो मैंने ए कह करेक्ट आंसर लोटस एवं चपाती रोज आंसर एवं जो क्वेश्चन मुझ पचारी ओडिया किए थे ना था चाषी खुंटिया चाखी खुंटिया जो आम कहे तो करेक्ट आंसर जो मैंने देखा सुरेन्द्र साई नुआ चाखी खुंटिया जो आम कहे ना आसपर नेक्स्ट आस नंबर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट एट बरेली बरेली रे किए लड़ुते ए विषय में कह दियो खान बहादुर कुंवर सिंह अमर सिंह ना हूँ महम्मद अहमद कह मौलवी अहमद शाह ना हूँ बिरजिश कादरी तो ये चार जन भितर किए से रही तुमको लगुच जी ए मुमेंट को लीड कर तो आंसर है ए हम खान बहादुर जी की आमर जी बरेली लड़ुते बोले कहगला तो पांचटा क्वेश्चन थी आउ टे आगे बढ़िया कि आगुआ हूँ कौन 6 नंबर क्वेश्चन भी देखीदे है क्वेश्चन पर अदर टॉपिक को जी रामचंद्र पंडुरंगा ये हूँ कहार ना थी बोली कहुच क्यों जो चार जन भितर क्या आम रामचंद्र पंडुरंगा कहे कुंवर सिंह को तात्या टोपे को ना हूँ नाना साहेब को ना मंगल पांडे को ये चार जन भितर क्या आम कहीपर जे हूँ कौन अच्छे रामचंद्र पांडुरंगा कहु तो ये समस्ते कहते सर ऑप्शन नंबर ए हम कि जन कहते ना सर बी हम तात्या टोपे तो जो मैंने भी मन रखी था आर आंसर तात्या टोपे दौ करेक्ट आंसर हूँ रामचंद्र पांडुरंगा हूँ ऑप्शन बी तात्या टोपे को ही कहला रामचंद्र पांडुरंगा कहला ओके एवं आगे बढ़िया कि आगे बढ़िया पूर्व गोटे छोटिया जिन कहीदी पिला तुम जेटी प्रिपेरेसन जब आरंभ कर आरंभ करनी कारण पे फर्म बगिया डेट तो आरंभ होगा कि तुम प्रिपेरेसन जब न करुच तामे जानी था नवंबर लास्ट सुधा मोस्ट प्रोबेबली यार एग्जाम्स गुड़िक हम आई सब बेले गोटे जिन मन रख खास करते वर्ष पर ये अपॉर्चुनिटी आसी समय थे चली गले आगे आसपर नहीं पैसा आसपार अलग अलग जिन सब आसपार कि तुम के समय चली गले आगे आसब नहीं जिन मन रख बारंबार मुझे कहबी कारण एत वर्ष पर बाहर नेक्स्ट टाइम मे बी हो पाए तुम आज न थपे कि तुम जो से समय इलीजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थो क्वालिफाई कर नो तो एवं ना तो कभी नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं तो से भाया जिनस को भाभी चिंती पड़ो एवं चल पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा बनिया जाइला के देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस इतिहास इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्वप्रथम 1885 मसीह एओ ह्यूम आईडिया पर कौन आर गठन करागला एओ ह्यूम जने रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे आईडिया पर आम 1885 बनई कह गोकुल दास तेजपाल दास सांस्कृत कॉलेज रे प्रथम थर पर बॉम्बे रे यार मीटिंग को आयोजन करागला जोठी की 72 जन डेलीगेट्स मैंने एकाठी होते यार प्रथम चेयरमैन किए होते डब्ल्यू सी बानर्जी को कर तो डब्ल्यू सी बानर्जी मैंने उमेश चंद्र बानर्जी यार प्रथम हेड होते कहगला बढ़िया बहुत जन इंपोर्टेंट रोल प्ले करते जमीक 1885 प्रथम बॉम्बे अधिवेशन है डब्ल्यू सी बानर्जी यार हेड होते 1886 मसीह कोलकाता अधिवेशन रे दादा भाई नारोजी यार हेड होते 1857 माड्रास साइद बाबुद्दीन त्याजी यार हेड होते 1888 तुम रोज अल्लाहाबाद सेशन रे जॉर्ज यूले हेड होते ये दुटा जिनस मन रख प्रथम फ्रेंच प्रथम ब्रिटिशर्स जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड है सी है जॉर्ज यूले प्रथम मुस्लिम जी की इंडियन नेशनल हेड होते सी हम साइद बाबरुद्दीन ताबजी ए दिन नाम मन रखीद 1907 मसीह सूरत स्प्लीट है तुम जानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भितर झगड़ा लगे जो फल सूरत स्प्लीट ना विख्यात कहुच्छी एथिरे राजबिहारी घोष थे
1917 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆନି ବସନ୍ତ, କୋଲକାତା ସେସନ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ବେଲଗାଓଁ ସେସନରେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଓମେନ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହେଡ୍ ହେଲେ, ସେ ହେଲା 1725ରେ, ଇଏ 1924ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, 1925ରେ ହେଲା କାନପୁର ସେସନରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ହରିପୁରା ସେସନ ଯେଉଁଟାକି 1938ମସିହାରେ ହେଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ୟାର ହେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ତ ଏଠି କିଏ କିଏ କୋଉ କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ହେଡ୍ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କହିବା, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିବ ସାର୍ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସନ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ସେସନ୍ଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଏ ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରନା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ନାଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଇମୋଜି ଭରିଦିଅ ଯେ ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଏ ସେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନେ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ହୁ ସେଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନାଇଦର ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ ପିପୁଲ ନର୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଅର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାଇ ଦେମ୍। ଓକେ, ଏଠି କିଏ କହିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ନା ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି, ନା ହଉଛି ପ୍ଲାନ୍ ବାଇ ଦେମ୍, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ ଡଫ୍ରିନ୍ କହିଲେ, ନା ସାର୍ ସଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ୍ କହୁଥିଲେ, ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ। ବି ହବ କ'ଣ ସାର୍? ସଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ହଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କହିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଯାଉ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885ରେ ହେଲା, ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ଦାସ ସାଂସ୍କୃତ କଲେଜ ବମ୍ବେରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ହେଡ୍ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଏଓ ହ୍ୟୁମ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବାନାର୍ଜୀ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭୋଗ? ତ କିଏ କହିପାରିବ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ କହିବ ସାର୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବାନାର୍ଜୀ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ରଖାଯାଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିଦେବ, ଇନିସିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଥିଲା ଆର ନାଁ, ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦିଅ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହବ। ତା ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନିର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛି, ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାର ତିନି ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ହୋଇଥିଲେ, ତ ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବେ? ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ, ରଫି ଅହମ୍ମଦ କିଡ଼ୱାଇ ଥିଲେ, ନା ଏମ୍ ଏ ଅନ୍ସାରୀ ଥିଲେ, ନା ବାବୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ ଥିଲେ? ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଗଲା? ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କରାଯାଇଥିଲା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଦେଇଛ, ଡି ହବ ବାବୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ, ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହୁ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଭାଇସ୍ ରୟାଲ ଡି। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ କିଏ ସେ ଆମର ଭାଇସ୍ ରୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଆମର 1885ରେ ଆମର କିଏ ସେ ଭାଇସ୍ ରୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଜାଗଲା। ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍ ଥିବେ, ନା ଲର୍ଡ ଏଲଗିନ୍ ଟୁ ଥିଲେ, ନା ଲର୍ଡ ଡଫ୍ରିନ୍ ଥିଲେ? ତ ଏଠି କିଏ ଥିବ ଯିଏକି ଆମର ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କହ ସାର୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, କାରଣ ଏତେ ସାରା ଭାଇସ୍ ରୟ ଅଛନ୍ତି, କାହା ନାଁ ମନେ ରଖିବୁ? ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ନ ନଉନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଡଫ୍ରିଙ୍ଗ ଗଲାଙ୍କର, ଡଫର ମାନଙ୍କର, ଡଫର ମାନେ ଡଫ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଡି। ଡି ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡଫ୍ରିନ୍, ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଗଠନ କରାଗଲା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆସିବା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ କିଏ, ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କିଏ, ପ୍ରଥମ ଇଂଲିଶମ୍ୟାନ କିଏ ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଏଓ ହ୍ୟୁମ୍, ଜର୍ଜ ୟୁଲେ, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ୟୁଏବ୍, ନା ହଉଛି ଆନି ବସନ୍ତ? ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ରହିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି? ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆନି ବସନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ବା ହଉଛି ଫରେନର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜର୍ଜ ୟୁଲେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତମର ଫୋର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଇଏ ହେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଡି ଆନ୍ସର ଦେଇଛ, ଜର୍ଜ ୟୁଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके तो ये प्रथम प्रेसिडेंट हेले किए वुमेन प्रेसिडेंट आनी बसंत देते तो आनी बसंत इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्रथम वुमेन हिसाब से तार हेड होते ये क्यों अधिवेशन थिला कोलकाता ना गया सेशन ना अलाहाबाद सेशन ना लखनऊ सेशन ये चारिटा भितर क्यों सेशन थिला जेउटी की एमान को आड कराइतले भाई यार हेड हेतले बोली कह गला कौन लागू जी तुमको कौन हेतिवार आंसर तो ये समस्त कह सर ये क्वेश्चन आंसर ए हम ए जो मैंने कह करेक्ट आंसर कोलकाता सेशन 1970 आनी बसंत को हेड करा जाइतला। तो अबे आगु को बढ़िया पूर्व जो मैंने जेटी प्रिपेरेसन करुच से समस्त गोटे रिक्वेस्ट जे पिला मैंने एग्जाम दबा आगुरु कम से कम तुम चाहे जो भी एग्जाम दियो समस्त एग्जाम दबा आगुरु कम से कम टेस्ट गुड़ी को प्रैक्टिस करके जीवो सेट मु एथि पई कहबी आमे जेपर्यंत फुल फ्लेजेड एग्जाम गुड़ी को प्रैक्टिस न करके जीवा एग्जाम को जीवा माने तुम सब बड़ ब्लंडर करछो। गोटे एग्जाम्पल दौची जदि क्रिकेट मैच खेल जाऊ पूर्व जदि आम प्राक्ट न करवा डायरेक्ट मैच को ओल्ल पड़ा तो चानसेस अच्छी आम आउट हबार तो से भाया जिनस तुम लाइफ में इंपोर्टाट रोचे जितेबाला क्रिकेटर मैंने निज खेल को खेल आगुरु प्राक्ट करा बुले जाऊना तो तुम्हें केमिति भूलु तो निजर फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज प्राक्टिस करिवो तापर जेगी निजर एग्जाम को जीवो तो तापई पूरा टेस्ट सीरीज रा पैकेज गुडी को अछि मात्र 200 रु 250 टका अछि समस्त एई सेट को नेकि प्राक्टिस मध्य कर परिवो। एबे जारे क्वेश्चन नंबर 19 ऊपर नजर पके बस क्वेश्चन नंबर 19 कोन गेले ना एठी वर्तमान आमे समय आसी पहुंच गेला 1905 रो 19 जुलाई 1905 ये होची से समय काल जेतेबेले लॉर्ड कर्जन अनाउंसमेंट करबा को जाउसंती पार्टीशन ऑफ बंगाल रो बंगाल को दुई भागरे बांटीबा को जाउसंदी केमिति ना हिंदू मुस्लिम को पॉइंट ऑफ व्यू रो ईस्ट बंगाल एवं वेस्ट बंगाल ये हिसाब रे ये दुई भागरे बांटीबा को जाउसंदी तो ये पार्टीशन रो अनाउंसमेंट करा गला 19 जुलाई रे जबकि पार्टीशन हेथा ना केबे ना 16 अक्टूबर 1905 रे यार पार्टीशन हबा को जाउथला तो एबे वर्तमान से विषय रे जानिथा 16 अक्टूबर रे हबा को जाउजी कोन पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ये वर्तमान ये जो जिनस लॉर्ड कर्जन जी की पार्टीशन ऑफ बंगाल करने अनाउंसमेंट कर दे जितेबाला आम देखा ये मुमेंट जो कह मेन जिनस कौन रहा ये कौन कर बंगाल को गोटे ईस्ट बंगाल करेंगे जोटा कि मुस्लिम रेसीडेंसी अधिकला जबकि वेस्ट बंगाल कराइल जोटी की हिंदू रेसीडेंसी अधिकला तो ये जाशु हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा था या भांगी ए आक्टिट कराला कारण ब्रिटिशर्स का मेन कनसेप्ट हूँ कौन डिड कर और रूल कर ये कनसेप्ट शासन चलता तो ये बर्तमान जदि कह समय रवीन्द्रनाथ टागोर गोटे गीत लिखिले ये जिनस को अब्जेक्शन करी आमार सोनार बांग्ला तो अमार सोनार बांग्ला कहि जोटा कि 1971 बांग्लादेश अलग है से माने ए गीत को निजर नेशनल एंथम हिसाब से ग्रहण करते 1971 जोटा कि लिखा जाता ए पार्टीशन ऑफ बंगाल समय रे ए पार्टीशन ऑफ बंगाल को ऑब्जेक्शन करी किसी लोक गोटे मूवमेंट आरंभ करले जो मूवमेंट रा नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हूँ कौन जो मैंने चाहू नथिले जे पार्टीशन ऑफ बंगाल हेउ किंतु किसी लोक एमती भी थे जो मैंने सपोर्ट करुवे कि जो मैंने कि ऑब्जेक्शन करते किए किए थे देखा एटी पुणे पुणे एवं बॉम्बे रे ए मूवमेंट को आरंभ कले बाल गंगाधर तिलक का द्वारा आरंभ कराइला पंजाब रे किए से ना लाला लाजपत राय द्वारा ए मूवमेंट को आरंभ करा गला दिल्ली रे तमरो शाहिद हैदर राजा द्वारा आरंभ करा गला जबकि मद्रास रे तमरो छि चिदंबरम पिलाई द्वारा ए मूवमेंट गुडी को आरंभ करा गला। स्वदेशी मूवमेंट माने स्वदेशी जिनस को यूज करबा विदेशी जिनस को आमे वर्जन करबा तो सेति पई लोक माने होची फॉरेन क्लॉथेस गुडी को एकाठी करी कोन करथले ना होची जदि आम कही कौन फॉरेन क्लॉथ गुड़िक को बन फायर करते लोक मैंने गोटे डिमांड करते स्वराज स्वराज वार्ड अर्थ होची आमको इंडिपेंडेंट दरकार जस्ट लाइक यूके माने अमर जदि तांकर राणी माने अछंती उपरे तो से माने आमे मध्ये सेही टाइप रो किछि रहिबो किंतु आमको इंडिपेंडेंट दरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ठारु मुक्त दरकार किंतु आउ किछि लोक थिले जे माने कि कोन होतले ना होची पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करथले एमाने कहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हैला भलो हैला काहे कि ना अमर डेवलपमेंट हे परे माने बंगाल रो ईस्ट बंगाल पर्टिकुलर जदि कहबो तार डेवलपमेंट हे परबो तो एटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 रे गठन करा गला जेउथिरे कि आमे कहबो आर हेड ऑफिस थिला ढाका रे एवं यार जे हेड थिले तांका नाउची आगा खान तो आगा खान यार चेयरमैन थिले बेली कुआ गला ए माने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करुथले जबकि जो स्वदेशी मूवमेंट होतला आकु ए माने ऑब्जेक्शन करुथले ये स्वदेशी मूवमेंट को पसंद करनथले बेली कुआ गला। तापर जदी आउ टिके आगु को बढिबा एटी कहौ जे देखिबा एटी पार्टीशन ऑफ बंगाल बिषय रे आमे कहिले जोडा कि एटी मेंशन करा गला
रिलेटेड किसी क्वेश्चन गुड़िक अच्छी चल नजर पकेबा जे पार्टीशन ऑफ बंगाल रे कौन कौन घटना गुड़िक होला आ की के एतरे कौन कौन मत सब देथले। प्रथम क्वेश्चन तुमानक सामना रे प्रथम क्वेश्चन कहूजी जे आंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट जदी हमें कहा जीव ए मूवमेंट केबे आरंभ होइतला बेली कहा गला 20 जुलाई 1905 रे 7 अगस्त 1905 रे 16 अक्टूबर 1905 रे ना तमरो 7 नवंबर 1905 रे केउ मसिया रे ए मूवमेंट गुड़िक होइतला बेली कहा जाउजी। समस्त कहूजे सर ए क्वेश्चन आंसर कौन हबो जल्दी जल्दी कह दियो सर। ओके स्वराज इज माय बर्थ राइट आई शैल हैव इट एटा दिया जीव जो से कांसेप्ट कहो जी स्वराज टा एटा हो जी 1916 मसिया रे दिया तो किंतु बहुत बढ़िया क्वेश्चन बजार जी तमे माने कह दियो स्वराज इज माय बर्थ राइट आई शैल हैव इट की कहितले कमेंट सेक्शन रे कह दियो। ता भितरे मु एक क्वेश्चन आंसर दे दु जी आंसर हला बी हबो ए जो पार्टीशन टा आरंभ हला को अनाउंसमेंट हला 19 जुलाई पार्टीशन हबो 16 अक्टूबर किंतु ए मूवमेंट गुड़ी को आरंभ हे गला 7 अगस्त 1905 तो जो माने 7 अगस्त दे जो करेक्ट आंसर 16 अक्टूबर हबो नाही 16 अक्टूबर रे पार्टीशन हेतला किंतु एडी पार्टीशन कथा पचानी ए मूवमेंट गुड़ी को आरंभ के बेइतला पचारतला। दुई नंबर क्वेश्चन कहला नेम ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन बंगाल जेताले पार्टीशन हला से समय रे किए से वायसराय थिले बेली कहा गला तो एडी समस्त कह दियो ए क्वेश्चन आंसर समस्त कह जो सर ए क्वेश्चन आंसर हबो गला लॉर्ड हाइडिंग ना लॉर्ड कर्जन ला लिटन ला लॉर्ड मिंटो तो समस्त कह जो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी माने लॉर्ड कर्जन को समय रे घटना हेतला। आउ गोटे जिनस मन रख जे ए जे लॉर्ड कर्जन जदि हमें कहबा आउ गोटे जिनस होची जोटा मु पचार थिली कोन स्वराज इज माय बर्थ राइट कोन हबो हमर होची बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ए मूवमेंट को कहा हेतला बा कोड कहा हेतला। तीन नंबर जिखिया हु अमंग द फॉलोइंग लीड द अग्रेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 रे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल विषय जदि कहा जीव ए जो मूवमेंट को आरंभ कहा द्वारा करा जाइतला हमें समझ जान जे हेइतला किंतु आरंभ के करथले सुरेंद्रनाथ बनर्जी सी आर दास आशुतोष मुखर्जी ना रविंद्रनाथ टैगोर तो ये चारि जन को भितरु किए से थिले जहां को समय रे ए इंसिडेंट गुड़ी को हेइजे बोली कहा गला बा आरंभ करा गला तो आंसर हैला हमें समझ जान जे ए हबो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो माने ए आंसर देइजो करेक्ट आंसर देइजो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को द्वारा ए घटना होइतला। चारि को ऊपर नजर पका जाउ हु अमंग द फॉलोइंग वेयर क्रिटिक्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लेज करती फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट तो ये कौन कले ना वे जो स्वदेशी मूवमेंट होता ये क्योंठी ना क्योंठी आपको ऑब्जेक्शन करते ये कहले कौन जो स्वदेशी मूवमेंट रे आमे जदि कपड़ा लता जाळीबा एतरे फरक कोन हबो एटी वेस्ट ये आ वेस्ट रो जो हमरा अछि ए सब रे गोटे प्रकार इंपैक्ट गुडी को पड़ी वाली कहा गला तो एटा गोटे प्रकार की से ऑब्जेक्शन करते डब्ल्यूसी बनर्जी एसएन बनर्जी आर एन टागोर ना बीजी तिलक तो किए से करते तो एक क्वेश्चन आंसर मन रखी था रविन्द्रनाथ टागोर ही यार आंसर ही था तो जो मारे सी देइजो करेक्ट आंसर देइजो रविन्द्रनाथ टैगोर हबे। एबे चलो जीवा पांच नंबर क्वेश्चन ऊपर नजर पकेबा हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडिया तो किए से कहिले जे बॉयकॉट करबा हमें बॉयकॉट चाइना को न बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को करबा तो ए जो कांसेप्ट गुडी को जो हमें स्वदेशी जिंस को यूज करबा बॉयकॉट करबा ए कांसेप्ट रा आईडिया किए देथले बेली कहिथबे अरविंद का भरीबा दरकार कोथरे इमोजी रे दिल वाला सिंबल काहे कि ना जानियो चाहू जी तुमे माने ए सेशन को केते भल पाउ जो एवं हां लाइक जदि करना एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त एवं सब्सक्राइब तो 110% बनता है। तो एबे चला आगु को बढ़िया पूर्व गोटे छोटिया कथा कह दूची जो मैंने फायरमैन बैच प्रिपेरेशन करिया चाहूँ से अग्नि बैच ऑलरेडी स्टोर अवेलेबल हो सारी अग्नि बैच रे पूरा ए टू जेड डिस्कशन गुड़िक पढ़ा गुड़िक हम एवं से नुहे तुम हूँ कौन हो पूरा एग्जाम को क्लारीफाई केमती पार ताकि पूरा 110% चेष्टा कर सब जिन मो कोड वाई 686 लगे तुमको बहुत कम प्राइसेस मिल पार एवं चल आगू को बढ़िया मानने कौन बढ़िया ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो यू आरंभ है भारत स्वाधीनतार कहानी जहाँकि गांधीजी द्वारा लीड करने को जाऊँगी तो ये कौन हो देख ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जदि कह पचरे दी जन पार्टी रहेंगे गोटे हिंदू पक्ष एवं गोटे मुस्लिम पक्ष हिंदू मैंने जालियानावाला बाग पाई रागिक अच्छा एपटे मुस्लिम मैंने खिलाफत मूवमेंट पाई प्रोटेस्ट कर ये कौन कौन ये चल देखा प्रथम खिलाफत मूवमेंट जदि कह जेहेतु आमर 1814 भितर प्रथम विश्वयुद्ध चली टर्की ब्रिटिशर्स मैंने हमला करते ब्रिटिशर्स अगेंस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी मैंने गोटे प्रकार एग्रेसिव मोड रे अछन्दि आउ ए जिंस को इंडिया रे लीड करछन्दि के से ना मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो मानको कि हमें समस्त अली ब्रदर्स नारे रे मध्ये जानि छी एमानकर डिमांड थिला कोन होची ना जो ऑटोमन एम्पायर उपरे जो युद्ध कराई छी से मानको तांको प्रोटेक्शन दिया जाउ एवं तांका होली प्लेसेस जो मुस्लिम मानको तांको फेरे दिया जाउ एवं खलीफा जो रहले एमानको तांको साम्राज्य गुडी कर पावर गुडी को फुनी आउथरे दिया जाउ तो ये मेन बेसिक डिमांड गुडी को थिला मुस्लिम मानकर कोन भई जो खिलाफत मूवमेंट रे जबकि एपटे हिंदू पक्ष काहे कि राखी छथि ना से समय रे रौलत एक्ट गोटे
ହେଇଗଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଉଲତ୍ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଣିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମାତ୍ର ହୁଏ ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମ୍ ଲଜିକ୍ ଲଗାଯାଇ ଏବେ 10 ଏପ୍ରିଲ 1913 ତମର ହଉଛି କିଏ ତମର ହଉଛି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସେଫୁଦିଲ କିଚୁଲେ, ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ରୌଲତ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ମାନେ ଯଦି କହିବ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆମର ହଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ ତମର ହଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଏଗ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉଟାକି ପଡୁଥିଲା କେତେ ତାରିଖ ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏକାଠି ହବା କୋଉଠି ନା ହଉଛି ଜାଲିଆନାବାଲା ବାଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବୋଲି କୁହାଗଲା। 10 ଏପ୍ରିଲରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଏକାଠି ହବାକୁ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଳି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ, ଯୋଉଠିକି ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯାହାକି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଏବଂ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଗି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ 31 ଅଗଷ୍ଟ 1920ରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି କ'ଣ ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି କୋଲକାତା ସେସନରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ଆ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଖାସ କରିକି ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ତମର ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନିଜର ଉପାଧିକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ କାଇଜରା ହିନ୍ଦର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତାକୁ ଇଏ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ। ସେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱରାଜ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍ ଅର୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଫ୍ରମ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଅଫିସ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଛୁଡ଼ି ଆସି ଭାରତର ଏଠି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ ହିଁ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ତ ଇଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଆଇସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମର ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଧର, ଯିଏକି ଆମର ଶଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଇଏ ଭାଇସର ଏଜୁକେଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ଇଏ ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର, ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। ଇଏ ଆମର ଲୟର ଡିଗ୍ରୀ ପଢୁଥିବା, ଲୟର କାମ ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଇଏ ଲୟର ଡିଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସର, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ଉପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଲଢୁଥିବେ। ତ ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବନ୍ ଫାୟାର ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ କପଡ଼ା ବା ହେଉଛି ଫରେନ୍ କ୍ଲଥେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ବନ୍ ଫାୟାର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଖଦି ବିକେମ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ନାରା ଲଗାଇ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ହେଲା, 1921 ଆସୁ ଆସୁ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା ଯୋଉଟାକି କରାଚିରେ ହଉଥିଲା, ଏଠି ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଗଲା। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେତେ ଜଣ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଆସି ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରେ ଯୋଗ ଦିଅ। ତ ଏଠି କୁହାଗଲା ନୋ ମୁସଲିମ୍ସ ସୁଡ୍ ସର୍ଭ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମୁସଲିମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ ନିଜର ଫ୍ରିଡମ୍ କହୁଛି ନା ହଉଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ି ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନଭେମ୍ବର 1921 ଆସୁ ଆସୁ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ, ତମର ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଭାରତକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଦେବେ, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଥିବେ ଏମାନେ ସେଠି
हड़ताल करेंगे गो बैक र नारा लगे जो फल राजा बहुत अधिक अपमानित हे और भारतीय मान जो खास कर जो मुवमेंट जो चली एंड करने अर्डर दिहब जो फल हम भारतीय मान जितक सब बड़ बड़ लिडर थे ये समस्त को 1921 एंड आसु आसु समस्त को आरेस्ट कर जेल रखा सब घटना पर केवल गांधीजी एक्टिया बाहर थे गांधीजी चाहूबे कौन हो मुवमेंट को आहरी आगे बढ़ावाई कि पूर्व आउ गोटे घटना घटे जहाँकि नन कॉर्पोरेशन मुवमेंट को सब दिन बंद करदेव ये घटना घटव चौरी चौरा इनसीडेंट जहाँ कि घटना घटला 5 फरवरी 1922 तो 5 फरवरी 1922 तुम जो चौरी चौरा इनसीडेंट घटला एथिरे कौन हो गांधीजी कौन करेंगे नन कॉर्पोरेशन मुवमेंट को सबुदिन खत्म करदे कारण गांधीजी कहे आम हिंसा को सपोर्ट करूना तेणु ये सबुदिन बंद कराला और 10 फरवरी 1922 गांधीजी को आरेस्ट कर 2 वर्ष 6 वर्ष जेल को निगला तो यापर हूँ कौन सबुदिन ये जो नन कॉर्पोरेशन मुवमेंट था खत्म हो गला तापर जदि आम देखा ये पॉलिटिकल गुरु जदि आम कह सुभाष चंद्र बोस किए दे आम चित्तरंजन दास ना कहीपर और पॉलिटिकल गुरु जदि गांधीजी कथा कहुता जिके गोखले ना आसी था तो ये दिजर ना मन रखी जी कि जहाद्वारा इन्हें कौन थे बहुत मात्रा में प्रभावित होते हैं चल क्वेश्चन को जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन किसी तो ये क्वेश्चन गुड़िक को जल्दी जल्दी करवा तो प्रथम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अच्छी टॉपिक रिलेटेड प्रथम क्वेश्चन देखा ड्यूरींग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल Why did Rowlatt Act arouse people's aggression? तो ये जो इंटीग्रेशन जदि कौन पाई भारतीय माने आमर ये जो मूवमेंट अगेंस्ट स्वर उत्तोलन करते खास करके Rowlatt Act ये कौन कौन कटेल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना सप्रेस को जी ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन ना ये गवर्नमेंट को इंप्रिजन करने पीपल मानक विदाउट ट्रायल ना जी कर्व कर ट्रेड ऑफ यूनियन एक्टिविटीज तो क्यों इनसीडेंट आउला जो मैंने समस्ते अगेंस्ट गोटे प्रकार मुवमेंट करते तो समस्त कहते सर सी आंसर हम कारण ये लोक मानक विदाउट ट्रायल आरेस्ट कराला जोटा कि आर आंसर हम दुई नंबर क्वेश्चन है ये समय कहु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन Rowlatt Act पास तो Rowlatt Act विषय में जब कहते पास कराला एथेरे किए थे ना लॉर्ड इरविन थे लॉर्ड रीडिंग थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ना लॉर्ड वेबले थे तो ये चार जन भितर किए से थे कहते तुम ये जो इंसिडेंट है बोली कहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया Rowlatt Act जदि कह तो आंसर है ऑप्शन सी रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को समय रे ए एक्टिविटीज गुड़ी को करा जाइतला बोली कहा सी जो माने आंसर दे करेक्ट आंसर दे हैला तो ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में होता वेरी गुड हैला बहुत बढ़िया आंसर दे चल नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया ये कहती हू सजेस्टेड द लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन आज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट Rowlatt Act तो ये किए कहले जे आमे गोटे प्रकार जो मूवमेंट करवा जो Rowlatt Act अगेंस्ट रे नो टैक्स कैंपेन माने जो टैक्स फैक्स दबाने ये टाइप रो जिनस करियाले कहले किए कहते अबुल कलाम आजाद गांधीजी रवींद्र टैगोर ना स्वामी तो कौन सदानंद तो ये चार जन भितर किए से ये टाइप आईडिया देते तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हम गांधीजी द्वारा ये मूवमेंट आईडिया दिगला तापर एबे 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़िबा ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ए लार्ज अनआर्म क्राउड गैदर होते जालियानावाला बाग रे कौन पाई ना तुम 13 अप्रैल 1919 प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ ओके तो ये चार जन जो चार ऑप्शन देखिए क्यों मान को अरेस्ट करा जाइतला जो कि समस्ते अगेंस्ट रे 13 अप्रैल एकाठी होते कहगला क्या अरेस्ट कर तो ये समस्ते कहते सर यार आंसर हम ऑप्शन नंबर डी हम तो डी जो मैंने कौच पे करेक्ट आंसर दे हम ना डी जो मैंने कही सैफुद्दीन किचुईल और डॉक्टर सत्यपाल यहाँ ही यार आंसर थी तो डी जो मैंने कही करेक्ट आंसर दे बहुत बढ़िया तो डी बी हम ना डी हम करेक्ट आंसर एवं चल आग को बढ़िया आगे कहती हू अमंग दि फॉलोइंग हार्ड रिजाइन करते फ्रम दि वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल तो वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल तुम मन पका गांधीजी जो नारा दे स्वराज इन ईयर और कौन कहे रेजिग्नेशन फ्रम नोमेट अफिस सुभाष चंद्र बोस आईसीएस सर्विस छाड़ी पलि आसे वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल छाड़ी किए आते रवींद्र टैगोर मदन मोहन मालवीय श्री शंकर नारायण ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम सी हूँ कौन हम शंकर नारायण जो हमें कहले आर करेक्ट आंसर थिला एबे चलो 6 नंबर क्वेश्चन को देखा फ्रम हूम ना हू फ्रम दि फलोईंग किल्ड जेनेल डायर तुम मन अच्छी ना जेनेल डायर जी आदेश देते कौन करवाई ना हूँ जो फ्रीडम जो जालियानावाला बाग को जो इनसीडेंट घटला ये हूँ मेन व्यक्ति जी आदेश देते कौन करेंगे ना गोटे व्यक्ति थे जी की दीर्घ 20-21 वर्ष पर कैंगस्टन हल लंडन जाकि हत्या करते जहाँ रिलेटेड गोटे मुवी आसाला से व्यक्तिर ना कौन पृथ्वीराज पृथ्वी सिंह आजाद ना सरदार किशन सिंह ना उधम सिंह ना हूँ सोहन सिंह जोश तो आंसर है ऑप्शन सी हम उधम सिंह हूँ यार करेक्ट आंसर जी की हत्या करते कहगला बहुत बढ़िया उधम सिंह जो मैंने कही करेक्ट आंसर देख ए सात को जी व्हेन डिड गांधीजी गिव द स्लोगन स्वराज इन ए ईयर
तो स्वराज इन इन गोटे वर्ष कह स्वराज पाइब रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिस ये जो टाइप स्लोगन जो दिगला गांधी जी द्वारा क्यों मूवमेंट समय दिखाई तुम दांडी मार्च समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समय सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट समय ना राउंड टेबल बैठक समय तो ये चार भितर कौन हम आंसर समस्त जाच भलि आम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कथ ही आंसर दे पार तो बी हूँ आंसर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समय आंसर हम कि गोटे क्वेश्चन आंसर तुम मैंने दि डू ऑर डाई ये जो स्लोगन दिया जाता एटा गांधी जी द्वारा क्यों मूवमेंट समय दिया था डू ऑर डाई ता भीतर एक क्वेश्चन को देखिबा ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बा इवेंट जुगुरु गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सब दिन पई खत्म कर देले काकोरी इंसिडेंट पई चौरी चौरा इंसिडेंट पई ना होची जालियानवाला मासाकर पई ना होची मुजफ्फर वाला केस पई ड्यू टू व्हिच इवेंट महात्मा गांधी एंड करबे हॉल्टेड करबे द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कोन हबो तुमको लागोची तो ये कहीदि समस्ते समस्त कहते सर आप जो डू एंड डाइक वाला जो नारा लगे क्विट इंडिया मूवमेंट समय करेक्ट आंसर देच उयास आउ एक क्वेश्चन आंसर बी हम चौरी चौरा इनसीडेंट पर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते इटि देख आसा स्वराज पार्टी विषय में कहु फॉर्म बाय दिजन पिक्चर भी ऑलरेडी दे सारी तो ये दिज किए बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ना बिपिन चंद्र पाल को लाला लाजपत राय ना सी आर दास को मोतीलाल नेहरू ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एपटे हूँ राजेन्द्र प्रसाद तो किए से स्वराज पार्टी बनई थे बोली कहगला तो स्वराज पार्टी किए बन भाज जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी बंद करते स्वराज पार्टी गठन करते तो आंसर है चित्तरंजन दास को मोतीलाल नेहरू ये दु जन जगह लॉयर डिग्री छाड़ी आसते कि स्वराज पार्टी गठन करते दस नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहे अदर टॉपिक को जी कह अमंग दि फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु देशबंधु आम क्या कह देशबंधु कह चंद्रशेखर आजाद को कहगला चित्तरंजन दास को ना एओ ह्यूम को कहा आनी बसंत को कहा कौन कहले ना देश बंधु बोली कह तो किए हे लगुच देश बंधु आर आंसर तो देश बंधु समय कहते सर एक क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर बी बी जो मैंने चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर देच एबे चलो आमर आगु को बढ़िया पूर्व गोटे जिनस मन रखिया पिला माने जदि तमे प्रिपरेशन को सतरे दमदार बनै छ तो मन रखिता ए दमदार को आहुरी बेटर बनाय जाय परबो ओडिसा स्टेट महापैक सह ए पूरा महापैक रे समस्त बैच गुडी को एनरोलमेंट करि परबो एवं ए पूरा बैच रो समस्त गुडी को गुटीए सब्सक्रिप्शन रे 2 वर्ष पर्यंत सब जिनस गुडी को अवेलेबल रहइबो तो मन रखिता गुटीए सब्सक्रिप्शन रे जित्ते बी बैच गुडी को आउची गुटे वर्ष पई नो 2 वर्ष भितर जहा जहा बैच आसीबो सब जिनस रहइबो तो ये सब जिनस तमे परिवा मो कोड लगे की ओडिसा स्टेट महाप्याग रे मोर कोड Y6686 लगे परे ये समस्त जिनस तुम मान अवेलेबल रहइबो तो जल्दी जाओ आज ही एनरोलमेंट करनियो तो ये चल आगे बढ़िया सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जी आम कह यार कहानी आरंभ है केबे ठारु देखिदबा तो ये कहानी आरंभ है 12 मार्च 1930 गांधी जी जेल रु फेरिक आसिले बारी गांधी जी आसवा पर 375 किलोमीटर पर्यंत चली चलिका जी जो निजर 78 जन फॉलोअर को नहीं गांधी जी दांडी मार्च आरंभ करेंगे जहाँ को आम समस्ते सॉल्ट सत्याग्रह ना जाने एथिरे गांधी जी कौन करेंगे ना फाइनाली 24 दिन चलिया 6 एप्रिल 1930 पहुंचे तो ये मुवमेंट को बहुत बहुत मात्रा सपोर्ट मिलेगा ये मुवमेंट हूँ प्रथम मुवमेंट थी जो थे कि भारत ओमेन माने पार्टिसिपेशन करेंगे ये मुवमेंट को आम सॉल्ट सत्याग्रह ना जाने कारण ये लुण उपर टैक्स जो लगाऊला आपको कौन कर न देवाई ए मुवमेंट को आरंभ मूवमेंट को हमें सॉल्ट सत्याग्रह कहे मुवमेंट रे प्रथम थर पर ओमेन माने समस्ते पार्टिसिपेशन करबा आरंभ करले ए मुवमेंट ओडिसा रे मध्य बहुत मात्रा रे बहुत बढ़िया चलता ओडिसा रे जदि हमें कहबो एंचुडी जो अछि बालेश्वर रे एठी हमर लवण सत्याग्रह होइतला ए मुवमेंट रे जदि हमें आउ किछि इंपोर्टेंट लीडर को ना कहबो सेमति कहबो राजगोपाल चारी जे कि तमिलनाडु रे ए मुवमेंट को लीड करछन्थि खान अब्दुल गफर खान ये तमर होछन्थि कोन होछि आंको फ्रंटियर गांधी मध्य हमें कहू छि जे कि तमर होछि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रे मुवमेंट को लीड मन रखी पार्टी प्रथम नॉन इंडियन रहिबे किए खान अब्दुल गफर खान जहां कि भारत रत्न दिया था एक क्वेश्चन टा तुम्हारा लास्ट तारीख एआरआई एग्जाम आसीथला तो एटा को मध्य मन रखी दबो तापर आसिबो क्विट इंडिया मूवमेंट उपर नजर पकेबा क्विट इंडिया मूवमेंट जदि कहा जिवा 1942 मसिया रे होइतला जाहा कि आमे अगस्त मूवमेंट नारे मध्य समस्त जानिचे ए मूवमेंट समय रे गांधी जी को द्वारा डू ऑर डाई रो स्लोगन दिया गला डू ऑर डाई रो स्लोगन जेतेबेले दिया गला गांधी जी अरेस्ट हेगी आंकु आगा खान पैलेस रे आंकु हाउस अरेस्ट करी रखा जाइतला जेहेतु ए जो 1942 मसिया रे 9 अगस्त 1942 मसिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस को संपूर्ण इल्लीगल घोषणा करा जाय यार समस्त लीडर मानकु जेल रे पकिया गला एवं जेहेतु आंकर
समस्त लीडर माने जेल रे थिले तेनो ये होजी गोटे लीडरलेस रिवोल्ट होइगला जेउति पारे ये ऑटोमेटिकली स्पोंटेनियस होइगला एवं वायलेंट होइगला जेउतरे कि लोक माने कोन करथिले ना प्रोटेस्ट करबा बहुत मात्रे करथिले जेतले आउ हिंसा रो रास्ता बाछि नेले कोउतरे ना क्विट इंडिया मूवमेंट रे एथिरे सबुटो मेन रोल सो प्ले करथिले कोन ना उषा मेहता जे कि जने रेडियो एंकर थिले ये होजी अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाउथिले जेउतरे भारतीय लोक मानको इंडियन फ्रीडम फाइटर रे जोग देबा पई आह्वान देउथिले तो उषा मेहता सी थिले एवं आउ जने रहिले जहां को हमें हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट मध्ये कहिथाउ जहां को नाउ जी अरुणा अशफ अली तो अरुणा अशफ अली को हमें हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट मध्ये हमें समस्ते कहिथाउ तो ये भी मध्ये रहिले एवं ए जो मूवमेंट रहिला एथिरे तमर होची मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा ए दी जन जक पार्टिसिपेशन करि नथिले ये आकु बॉयकॉट कर देथिले जबकि ए मूवमेंट बहुत मात्र सक्सेसफुल हैला एवं जहां फलरे कि तमर आगामी 1947 मसिया रे हमकु स्वाधीनता मध्य स्वागत चाख्या को मिलथिला तो ये पिला माने थिला हमर पूरा इंडियन इतिहास रो कहानी खास करी मॉडर्न इतिहास जोटा कि हमें आरंभ करथिले दीटारु आज तीनटा आसु आसु ये पूरा 1 आवर क्लास रे हमें मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करी देइचु तो एठी देख बहुत सारा जिनस अछि जोटा हमें कहि परबा डिटेल्स रे कहा जाय नै ये सब डिटेल्स गुडी को तमे पाई परबो कोठी ना जदी तुमे माने ए जो मोरा पैक जोटा कि हमें समस्त कहो जे कोन होची ना जेटी रो महा पैक जदी कहि परबो एटा को नै परबो तो एठी 21 तारीख को आरंभ होई छि पूरा कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस जदी समय जानिबो को जाउछ तो ये सब जिनस तमे पाई परबो केउठी ना होची हमर आर्डर ए जो बैचेस गुडी करे 21 तारीख को आरंभ होई छि जो माने नबा को इंटरेस्टेड मोर कोड Y686 लगिया को भुलिबा नै एवं ता सह तमरा आराध्य बैच मध्य 30 तारीख रु माने पर दिन ठारु आरंभ हो गजो जे एवं काली पिला माने मन रखि दो पूरा दिन जक तमरो आराध्य रिलेटेड बाउ जी खास करके आरआई रिलेटेड गोटे महा माराथन क्लास रहबो काली 10 रु 12 घंटा टाइम रो तमरो केवल आरआई रिलेटेड टॉपिक गुडी को डिस्कशन हो तो समस्त रेडी रहबो ता पई पूरा दिन जक पूरा धमाका करबा एवं तापरे मन रखित अग्नि रो बैच जोटा कि आम कह फायरमैन रो बैच थिला एटा मध्य ऑलरेडी स्टोर को आसी सारी 19 तारीख रो बैच आरंभ हो सारी जो माने इंटरेस्टेड मो कोड Y686 लगिया को भूलिबा नै एवं शेषरे आईसीडीएस कहि दउची आईसीडीएस जोटा कि अंगनवाड़ी सुपरवाइजर रो पोस्ट बहुत इंपोर्टेंट पोस्ट यार जीएस पोर्सन अलग अच्छे अन्य एग्जाम ठार तो यार प्रिपेरेसन जदि कर कम से कम जीएस पेपर पर तुमको आईसीडीएस रु प्रिपेरेसन करके पड़ो तो ये सब जिनस गुड़िक जब अलग अलग परचेज न करवाक चाहो गोटे सब्सक्रिप्शन सब किसी मिल पार सी है ओडिशा स्टेट महाप्याग पुणी वर्षे नुह दुई वर्ष वैलिडिटी जेहतु अच्छी तो ये जिनस को तुम मैंने समस्त एनरोलमेंट कर ओडिशा स्टेट महाप्याग गोटे सल्यूशन समस्त एग्जाम तो ये जिनस गुड़िक तुम्हें मो कोड Y686 लगे पापर और हाँ ये जो भिडियो देखुच ए भिडर तले डिस्क्रिप्शन में आप्र लिंक अच्छी से तुम डाउनलोड कौच तुमको एक्सट्रा आउरी 1% डिस्काउंट मिल से आप्लिकेसन में तुमको डेली जिके डेली क्विज तुमको आहुरी भी बहुत सारा जिन मैंने कम्युनिटी सेक्शन को जब भी आहुरी बहुत सारा जिन गुड़ी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल तो ये सब जिन मिल पार आडा स्टोर रे तो जाओ समस्ते ए सेशन को एंजॉय कर आदि तुम मैंने पे जाए ए सेशन में बनी अच तो से बहुत सारा धन्यवाद कारण तुम मान भल पाइबापी ए सेशन टा नो डाउट सक्सेसफुल हम ए गोटे रिक्वेस्ट जदि ये सेशन भल लगे निज निज समस्त ग्रुप सेयार करमी समस्त ये भिड समस्त पाखे पहुंचा दरकार शेष में लाइक सेयार कमेंट करने को भूल ना आदि तुमको सेसन भल लगी भिड जो सर कमेंट सेसन में आउ थे गोटे रिक्वेस्ट समस्त कमेंट करने को जमा भी भूलना एवं सब्सक्राइब जदि कर क्या करे दोस्त एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त जाओ जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब करनी सेसन को खत्म करा थैंक यू बाय बाय टाटा जय हिंद जय जगन्नाथ।